नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और न्यूज ड्रम लाइव में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़कर के शिवसेना में जाने की मुद्दे पर, जहां पर कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि मिलिंद देवड़ा को सब कुछ दिया पार्टी ने, उनके परिवार को भी सब कुछ दिया और बदले में उन्हें एक कुठाराघात मिला। उसी तरीके से मिलिंद देवड़ा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस रास्ता भटक चुकी है, अब उस पार्टी में उनके लिए कुछ नहीं बचा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पुणे से वरिष्ठ पत्रकार गिरीश ओगड़े जी हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे गिरीश ओगड़े जी का। गिरीश जी, स्वागत है आपका इस शो में। गिरीश नमस्कार, थैंक यू। जी, आप अपना एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस बताएं कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है और क्या चल रहा है। अगर इसमें असल की बात की जाए तो कांग्रेस को मिलिंद देवड़ा जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो खुलेआम नहीं कर सकती थी, या फिर उनको आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं और आप चले जाओ ऐसा ओपनली नहीं बोल सकती थी, तो वो काम देवरा मिलिंद देवरा ने खुद रिजाइन करके कांग्रेस का काम आसान कर दिया। तो ये एक सिंपल लाइन है, क्योंकि जब मिलिंद देवरा जी के जाने के बाद कांग्रेस से खाली मुंबई कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ को छोड़कर किसी ने भी कोई मत प्रदर्शन नहीं किया हुआ है। मिलिंद देवरा जी जो पार्टी में थे तो वो कई दिनों से मतलब निष्क्रिय थे, और उन्होंने कुछ ज्यादा उनके पीछे पार्टी बढ़ाने के लिए या पार्टी का काम करने के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं, ऐसा उनका पार्टी के भीतर के लोगों का कहना है। मिलिंद देवरा, आप देखेंगे कि ये देवरा फैमिली लगभग 67 के आसपास कांग्रेस से जुड़ी। उनके फादर जो थे मिलिंद देवरा उनके वो इंदिरा जी के भी मुरलीपुरा घनिष्ठ, हाँ, मुरली देवरा वो मुंबई कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे और गांधी फैमिली के काफी करीब रहे, सेंटर में वो मिनिस्टर रहे, और उनके मृत्यु के पश्चात उनके बेटे को भी मिनिस्टर बना दिया गया था सेंटर में, और एक कांग्रेस से जुड़ा हुआ काफी शक्तिशाली घराना माना जाता था मुंबई में। लेकिन 2014 और 2019 में ये साउथ मुंबई में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से मिलिंद देवरा हारे हैं। 2014 के बाद भी उन्होंने उसमें कुछ काम नहीं किया, जमीनी काम नहीं किया। और अगर जमीनी काम नहीं किया, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जो साउथ मुंबई में जो विधानसभाएं आती है उनमें वर्ली, शिवडी, भाईखड़ा, मलबार हिल, मुंबा देवी, कुलाबा, इन सारी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक मुंबा देवी में कांग्रेस का एमएलए है, बाकी शिवसेना के तीन, उनमें से एक शिंदे शिंदे सेना के पास चला गया और दो अभी उद्धव ठाकरे के पास है, और दो बीजेपी के हैं, और इसमें से एक आज एक विधानसभा अध्यक्ष है और दूसरे जो है वो मिनिस्टर है। तो ये हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसमें आप देखेंगे कि खाली एक अगर विधानसभा सदस्य चुन के आता है तो आप पता लगा सकते हैं कि एक हाई प्रोफाइल फैमिली कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कर रही है, भी देखा जा सकता है। जी, मुझे आपसे एक, आपने 2014 और 2019 के चुनावों का जिक्र किया जिसमें दोनों में मिलिंद हार गए थे। अब सवाल यह है कि 2014 ले या 2019 ले, वो एक ऐसी आंधी थी, खास करके 2014 भी और 2019 में भी, कि मिलिंद देवड़ा तो छोड़िए, बड़े बड़े तुर्रम खां भी हार गए। एग्जाम्पल हार गए। के लिए जी लीजिए तो राहुल गांधी भी अमेठी की सीट हार गए 2019 में। अब इसको किस तरीके से आप देखते हैं, जब आपके पास आधार नहीं है, वो वैसे भी शिवसेना का गढ़ रहा है और शिवसेना उस समय मोदी की पार्टनर थी 2014 और 2019 दोनों चुनाव। तो आप इन सब चीजों को देख करके एक कैंडिडेट को किस तरीके से बोल सकते हैं कि आप दो बार के हारे हुए कैंडिडेट हैं, आप चले भी जाएं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टेटमेंट कल कांग्रेस के लोगों का था।
बात यह है कि आप मिलिंद देवरा जी का पिछले कुछ सालों से, मतलब एक दो तीन 2019 के बाद से उनका जो बिहेवियर था पार्टी के बीच में, जब मैंने कुछ लोगों से बात करी तो वो ऐसा था कि वो जो प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम लेते थे उस प्रोग्राम में पार्टी की कोई भी लीडर का, कोई भी लीडर उस पार्टी का उस उनके जो बैनर है उनके बैनर पे दिखता नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, जिस गुजराती परिवार से वो बिलोंग करते, गुजराती बैकग्राउंड, जो गुजराती लोगों फैमिली के लोग हैं वहां पे गुजरात से रहने वाले, तो उन लोगों में जो पार्टी की सदस्यता बढ़ाने का अभियान रहा हो या फिर भारत जोड़ो अभियान रहा हो, तो उस अभियान के प्रति कहते लोगों का कहना है पार्टी के अंदर भी कि देवरा कभी भी खुल के सामने नहीं आए, और उनकी नजदीकियां या फिर उनका रुझान जो है वो ज्यादातर बीजेपी के पास, बीजेपी के साथ जा रहा था। वो खींच तो खींचे जा रहे थे बीजेपी की तरफ, लेकिन उस साथ में थे, मतलब मन उधर है लेकिन देह इधर है, इस तरफ से उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज थी। मैंने भी एक दो बार उनको देखा हुआ है कि देवरा कांग्रेस के कार्यक्रमों में 2019 के बाद में उतने सहज नहीं दिखते थे जितने सहज वो 2014 से पहले या 2014 के बाद में दिखते थे। वो सहजपन या फिर वो अपनापन नहीं रहा था। और पार्टी की जो मुंबई पार्टी की जो नेता है वो आपस में तो उनकी तो चलती रहती है क्या कहे, डेमोक्रेसी पार्टी विद इन डेमोक्रेसी, उस हिसाब से तो गायकवाड़ उनका अलग से चल रहा था। तो ये थोड़ी सी बातें चल रही। जी, आगे आगे चल के आपको क्या लगता है कि पाला बदलने से देवड़ा को कोई पर्सनल फायदा होगा या बीजेपी के लिए, या एकनाथ शिंदे लेड शिवसेना के लिए बहुत बड़ी चीज है, कोई उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है? नहीं, ये किया है कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने जो है उन्होंने एक मॉरल सपोर्ट, मॉरल जो प्रेशर है वो बीजेपी पे बढ़ाया, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेता लीडर उन्होंने अपने पाले में ले लिया है और वो अब उस सीट के लिए आग्रही है कि ये सीट जो है हमें मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो ये लड़ाई जो है, अगली जो चुनाव लड़ाई जो है वो शिवसेना की शिंदे और उद्धव की शिंदे, उद्धव की शिवसेना, जी उन दोनों के बीच में हो जाएगा। हालांकि बीजेपी भी यही चाहती है, लेकिन पॉसिबल है कि बीजेपी अपना ही कैंडिडेट कोई शिंदे के पास देकर उस वहां पे चुनाव लड़े, और मिलिंद के टिकट वहां से मिलने की आशा मुझे तो नहीं लगती। शायद उन्हें राज्यसभा या फिर विधान परिषद पे भेजा जाए। जी चलते चलते एक बात, जैसे कि कल से हो रही है कि पांच बड़े अच्छे मित्र थे राहुल गांधी के, उसमें से चार तो निकल गए, पांचवा भी ऑलमोस्ट निकल ही चुका था। सचिन पायलट की बात कर रहे हैं हम, हाँ बट हाँ अभी किसी न किसी तरीके से वो पार्टी में बने हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इन लोगों को अच्छी तरीके से जिम्मेदारी नहीं दी गई, इन लोगों को भाव नहीं दिया गया, हुआ क्या? मतलब देखिए, बात अगर एक की होती, खाली मिलिंद देवड़ा की होती तो समझ में आता, दो की होती तो भी समझ में आता, पांचों के पांचों को हम कह सकते हैं कि ये डिसग्रंटल्ड कुलीग थे। हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन राजनीति है, पर्सनल रिलेशंस अलग होते हैं। राजनीति में व्यक्ति की उपयोगिता भी देखी जाती है। सचिन को रोका गया कि सचिन पायलट की उपयोगिता आप जानते हो राजस्थान में कितनी है, उनका एक जनाधार है, उन्होंने खुद अपना, उनके पिताजी का भी जनाधार था, उन्होंने खुद अपना भी जनाधार बनाया हुआ है। बाकी चारों के बारे में शायद वो बातें नहीं हुई कि वो अपना खुद खुद का जनाधार बढ़ाए, अपने खुद के पीछे कुछ एमएलए ले ज्योतिरादित्य आए। सिंधिया का अच्छा खासा जनाधार था, और जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस को बहुत चोट पहुंचाई है मध्य प्रदेश में। ज्योतिरादित्य के बारे में तो इतना कह सकते हैं कि भाई वो वहां के जो लोकल जो कैलकुलेशंस हो रहे होंगे उसके जी हिसाब से वो चले गए, और राजनीति में तो इतने इंसानी रिश्ते, भाव भावना को कौन देखता है। दूसरी बात, एक चीज और भी है, लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने जो अपनी एक सेंट्रिस्ट की आइडियोलॉजी थी वो छोड़ दी है,
अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोच करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पार्टी हद से ज्यादा लेफ्ट लीनिंग हो गई है और शायद हम इसको लेफ्टिस्ट पार्टी बोल सकते हैं। नहीं, कांग्रेस का जो विचारधारा का जो मूल है वो ना तो लेफ्ट है ओरिजिनली और ना तो राइट है, वो जी मैंने पंडित वही बोला, जवाहरलाल, साइंटिस्ट हाँ भी हाँ वो मिडिल है। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने जो दिखाया था बात उस हिसाब से, जो नेहरूियन पॉलिटिक्स कहते हैं उस हिसाब से उनको चलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि 2014 के बाद जब ये 2014 की जो गवर्नमेंट चली उसमें एक उन्होंने क्या बनाया था, एक ग्रुप बनाया था जो गवर्नमेंट को सलाह देता था वगैरह, उसमें तो उसमें काफी लेफ्ट विचारधारा के लोग आए थे। उसके बाद आप, हाँ आपका कहना सही है कि कांग्रेस लेफ्ट की ओर मुड़ गई है, लेकिन वो राइट की ओर भी मुड़ना चाहती है। फिलहाल वो लेफ्ट की ओर मुड़ी है लेकिन वो राइट की ओर भी मुड़ना चाहती है, और इस लेफ्ट राइट मुड़ने के इसमें ये जो देवरा का जाना, ज्योतिरादित्य का जाना, इस तरह के जो एक्सीडेंट है वो लेफ्ट राइट को मुड़ने की वजह से होते रहते हैं। जो मुरली देवड़ा ने अपने मेहनत से एक-एक अपने जनसंपर्क को बढ़ा करके और उस मेहनत से अपने बलबूते पे खड़ा हुए थे, मिलिंद देवड़ा उसका शायद 10% भी हासिल नहीं कर पाएंगे, आगे जा करके भी वो ऊंचाई नहीं हासिल कर पाएंगे, इतना तो तय है, क्योंकि उन्होंने खुद से बनाया और इनको वो सब प्लेटर में मिला करके। जो आपको एक व्यू मान लेनी चाहिए, क्योंकि मुंबई का वोटर जो है वो शिवसेना का कमिटेड वोटर है, जी और जिस तरीके से बीजेपी ने जो छेद लगाया है शिवसेना में, और खास करके बाला साहब के बेटे को क्षति पहुंचाई, ये जो एक नैरेटिव सेट हो गया है, बाला साहब का बेटा अभी संकट में है, ये नैरेटिव काफी मुंबई में चल रहा है। नेता चले गए लेकिन वो अभी वहां पे है, तो और अरविंद सावंत जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ चल रहे, तो ये नैरेटिव किस तरह से जाता है, ये भावना कितनी गहरी पेंट पहुंचा पाती है या कितनी गहरी पहुंच पाती है, उस पर ये आगे का चुनाव रहेगा, और मुंबई का वो मुंबई उस वेव पे वोटिंग करेगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये एक नया एंगल बताया आपने मुझे और हमारे दर्शकों को भी, और इस एंगल से अगर देखा जाए तो शायद टक्कर कांटे की रहेगी, एक तरफा नहीं रहेगा। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण करने के लिए, वो भी एकदम इंडिपेंडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, थैंक धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। यू।